कांग्रेस न्यूज सर्विस में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ आज वजीराबाद के वार्ड पार्षद हमारे आज हमारे 72 साल हो जाते हैं हमारी आज़ादी के, और यहाँ पे आपने एक लंबा अनुभव है आपको और एक तजुर्बे के हिसाब से, अब इन 72 सालों में अपने देश को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, 72 सालों में देश ने बहुत तरक्की की है, बहुत उन्नति की है, और भारतवर्ष ने जो तरक्की की है, ठीक है, एक दो साल में कुछ कमियां रह गई हैं, लेकिन जो देश के अंदर तरक्की हुई है वो बेमिसाल हुई है। भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सच में हमारा भारत सोने की चिड़िया है। और आप तो देख ही रहे हो कि इस देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, आज देश के अंदर हर वो चीज़ बनती है जो संसार में, और हमारा देश जो है संसार में सबसे अग्रणीय होगा। जो जिस गति से भारतवर्ष जो है आगे बढ़ा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाया है, उसको तो हर हिंदुस्तानी जानता है। ये यादगार है कि कांग्रेस ने इस देश को सदा आगे बढ़ाया है, और उसी की आज देन है कि आज ये समृद्ध देश है। तो आज के समय में सर, अगर बोलें कि जैसे आप यहाँ पे हैं, तो रोजगार का मुद्दा, ठीक, और महिला सशक्तिकरण, की दो मुद्दे जो हैं आज के डेट में बहुत ही, जश्न आज़ादी का दिन है जी, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहते। देश देख रहा है जो कुछ कर रहा है जी। हम सिर्फ आज सबको शुभकामनाएं देते हैं। इसी सदी में तो आज भारतीय परिपेक्ष में अगर आप देखें, तो महिला सशक्तिकरण के लिए आपको क्या लगता है कि आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, और आप महिलाओं के खासतौर से अपने क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए? सबसे पहले तो वैसे महिलाओं को मेरे ख्याल से सबसे आगे आना चाहिए। अब हमारे इसमें भी 50% महिला का हो जाएगा, और मैं अपने क्षेत्र के लिए महिला सुरक्षा सबसे जो मेन है हमारी जी। महिलाओं की अभी तक कोई सुरक्षा नहीं है, जब से मोदी सरकार आई है तब से ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। चली है आपके यहाँ बी सर्विस, मतलब अगर हम सब स्वार्थ हो जाए, हम केवल अपना स्वार्थ हो जाए कि हमें खुद साफ सफाई करेंगे तो कहते हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, और हमने साफ सफाई से स्टार्ट कर दी तो सभी लोग साफ सफाई स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। सर, इसके माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता से कोई एक अपील कीजिए जी। जो बी सेल्फिश है, यदि गंदगी के प्रति लोग सेल्फिश हो जाएं और ये करें कि खुद ही गंदगी हटाने लग जाएं, तो ये स्वच्छ भारत अभियान और फलाना अभियान की कोई वो नहीं रह जाएगी। तो यदि लोग जागरूकता है कि ये जो आपने लिखा बी सेल्फिश फॉर अवेयरनेस, ये इसका मतलब ये है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे, हर आदमी अपने अंदर ये सोचे कि मुझे ये स्वार्थ है कि मैं अपने क्षेत्र को स्वच्छ और साफ रखूँगा, तो इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता देश के अंदर। एक देश की रक्षा, सुरक्षा, एकता, अखंडता और एक सफाई, ये हो जाए तो फिर बात क्या है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के चेयरमैन जी हैं, और आप सर कुछ कहना चाहें, आप बोलना चाहें? मैं तो सर यही बोलना चाहूँगा कि तिमारपुर विधानसभा में इनसे पहले जो हमारे निगम पार्षद आए हैं, इनसे पहले यहाँ हालत क्या थी, बद से बदतर, और जब से हमारे निगम पार्षद आई हैं, जो 15 सालों से 20 सालों से भी ये कार्य नहीं हो पाया था, आज वो एक साल के अंदर इन लोगों ने वो सब कुछ करके दिखा। वजह से जिनके दिमाग की उपज हम बोल सकते हैं, और जिनके प्रयास से आज ये शुरुआत हुआ है। अभिषेक सिंह जी, अभिषेक सिंह से हम जानना चाहेंगे कि सर क्या, कैसे और क्या करना चाह रहे हैं आप? देखिए, देश को आज़ादी तो 15 अगस्त को मिल गई थी, हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, लेकिन उसके बाद जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, बी सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी बनिए। स्वार्थी का अर्थ आप नकारात्मक भाव में भी निकाल सकते हैं और सकारात्मक भाव में भी निकाल सकते हैं। हमारा उद्देश्य बी सेल्फिश फॉर अवेयरनेस को चलाने का सिर्फ इतना है कि आप दूसरे से अपेक्षा छोड़कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन खुद करें, सफाई खुद करें, जो भी चीज़ें होती हैं आपकी, जो नागरिक की जो एक मूलभूत ज़रूरतें होती हैं वो खुद आप करें। अगर ये जिम्मा एक से एक आदमी पढ़कर एक चैन मिलाकर अगर ये चलाएगा, तो वो दिन दूर भी नहीं रहेगा कि जब हमारा पूरा भारत, हमारा पूरा समाज स्वच्छ हो जाएगा, और जब स्वच्छता रहेगी तो हमारा मानसिक जो चिंतन मनन है वो भी अच्छा होगा, और जो बीमारियां हैं उससे भी हमें निजात मिलेगी। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में सोहन लाल जी, और यहाँ के यूथ लीडर हैं, लोगों में जाने पहचाने जाते हैं। सर, इस सेल्फिश सेल्फ जो एक मूवमेंट है, टैगलाइन है, अब इसके बारे में, हाँ,
सेल्फिश जो संस्था है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो काम जोड़ा है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है जो साफ़ सुथरा होना चाहिए इलाके को। हम लोग सब मिलकर 12 महीने कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं, सफाई का मुद्दा हो या नालियों का हो या किसी भी चीज़ को, तो हम लोग भी करते हैं, सबको मिलकर करना चाहिए। ये नहीं कि हमारी सरकार ही करेंगे या जो उन्होंने कह दिया कि भाई आप ही करोगे, तो हमें भी करना चाहिए, खुद मिलकर युवाओं को आना चाहिए आगे थोड़ा बहुत जो भी होता है जितना टाइम होता है देश की सेवा में इलाके की साफ सफाई में लगाना चाहिए।